कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तभी हैसियत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। ना यानी कि फरोट वगैरह हो, चार बच्चे हैं, फिर ये होगा जब अल्लाह पाक फुर्सत देगा, ये रहेगा जब अल्लाह पाक फुर्सत देगा, चार पांच महल कहीं और जगह पे ले, अपना ही है, किराए का तो है नहीं। क्योंकि इधर हर चीज है ना, मेरी अपनी हर चीज। क्या करने आया है? वीडियो क्या? इधर कोई वीडियो शूटर लगा हुआ है क्या? हम अपने घर बना रहे हैं, आप अपने घर बनाओ। कैसे भाई? आपका मेरी बात सुनो। हाँ जी, ये देखो बस यार, बादशाह बनना है तो मेरा कैमरा एक वही बटन खोल दिया जो आपका फंसा हुआ था यार। मुझे समझ नहीं आ रही इसकी भी, इसके वो जैकेट वगैरह जो होते हैं वो हमने चेंज, लेकिन इसको तकरीबन साल हो गया है मेरे ख्याल में, है ना? तो साल बन रहा है अभी, उबल रही है। चलो ये उबल रही है, करना है चेक। तो जब 8 बजे भी काट सकते हैं, 9 बजे भी काट सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके दुआओं से व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर लें जी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं मज़ेदार सा व्लॉग। और जैसे आपने सुबह मेरी वीडियो देखी होगी, हम सेटिंग वगैरह घर की जो है वो कर रहे थे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल ये सफाई वगैरह भी ओके हो चुकी है, पोछा वगैरह, और इधर जो हमारी टेबल वगैरह जो है उस साइड पर रखी थी, वो बाजी जो आई थी ना काम करने के लिए, उन्होंने कहा कि इस तरह ठीक नहीं है, उन्होंने इधर लगा दी। और वो बैग वगैरह जो पड़े थे वो ऊपर रख दिए, सेटिंग सारी, पंखा इधर आ गया। ये जगह जो है ना ये काफ़ी खुली हो गई है, इधर यानी कि चारपाई भी आ जाएगी, हमारा बाइक, मेरी बाइक जो है वो भी इधर आ जाएगी। उसके अलावा ये वाला कमरा की लुक जो है ना इस तरह की है, माशाल्लाह जी, इस कमरे की इस तरह की लुक बन गई। और दूसरे कमरे के मैं आपको लुक दिखाता हूँ इसकी जो है ना, ये देखें, ये खुल गया गेट दरवाज़ा, और इधर जो है ना वो चारपाई, वो बेड, ये साथ में छोटी चारपाई। अभी ये देखें कि इधर छोटी चारपाई आ गई है, इधर वसीम आ जाएगा। उसके बाद एक चारपाई वो है, बेड है, एक चारपाई इधर डाल देंगे तो हमारी फैमिली जो है वो सुकून से इस कमरे में रह सकती है। और इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय चारपाइयाँ और बेड के अलावा, इसमें कुछ नहीं है। ये भी ओके हो गया, इसकी भी सफाई वगैरह सारी ओके, और बाहर का माहौल जो है ना वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बन गया। क्योंकि अभी आपको जैसे मैंने बताया था कि हमने बाजी का बोला हुआ है, तो कल भी बाजी आई थी, आज भी आई थी। तो ये घर का जैसे झाड़ू वगैरह का काम है, उसके बाद बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह, ये चीज़ें जो है ना वो कल भी करके गई थी, आज भी। और कपड़े वगैरह भी माशाल्लाह आज उन्होंने मशीन लगाई, जो थोड़े एक अदपुर था उन्होंने धुलाई अच्छी तरह से कर लिया। और उधर हमारी जो है ना वो जाली रखी हुई थी बिल्कुल गेट के सामने, वो हमने उठा के इधर रख दिया, ताकि ये जो है ना इधर नीचे आ गई। और बाकी धूप के लिए ना इधर चारपाई नादिया डाल के सोई रही, और अभी इधर बैठी है सब्जी काटने के लिए। आज क्या बना रही हैं? मूलियाँ। हाँ, वो असल में ये बात है कि वसीम ने कहा था कि आज आपने लेनी है मूलियाँ, और शाम को सालन मूलियों का खाएंगे, जो बच जाएगा। वो कह रहा था सुबह ना हम मूली वाले पराठे बनाएंगे, तो इस वजह से जो है ना उन्होंने हमें कहा है कि मूलियाँ ले आओ, तो मैं गया था मूलियाँ लेने। और चूल्हे जो है ना वो मैंने दोनों ले गया था, सिलेंडर भी ले गया था। और बात आपको मैं और बताऊँ, हमारे सिलेंडर में कोई फॉल्ट नहीं है, चूल्हे के अंदर हर हरबा इस्तेमाल किया, सब कुछ इसकी चेंज कर दी, लेकिन स्पीड वो ही रही है तकरीबन, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। तो बड़े सिलेंडर पे भी लगाया इसको, ये नहीं है कि अभी कहें कैमरा सिलेंडर ख़राब था, जो उधर गैस वाले के पास पड़े होते हैं ना बड़े सिलेंडर, उनके ऊपर भी हमने लगा के इसको चलाया। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही इसकी भी, इसके वो जैकेट वगैरह जो होते हैं वो हमने चेंज किए, 12 लेके आए थे, हालांकि 2 लगने थे, 12 एक एक चेंज करके लगाए भी, जो अच्छा चलेगा, जिसका सुराख बिल्कुल बारीक होगा, प्रेशर से आग निकालेगा। फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि वो जो दूसरे चूल्हे वाली जाली है ना वो वाली, उन्होंने कहा जो छोटे वाली जाली थी वो उनके अंदर डाल दी, उन्होंने कहा उसके ऊपर चलाओ थोड़ा फ़र्क आएगा, लेकिन देख लो अगर चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो चेंज कर लो चूल्हा ही। क्योंकि उन्होंने कहा इसकी हर चीज़ चेंज कर दी है, बटन इसके चेंज, इसका नीचे जो पैंप है वो चेंज कर दिया, इसका वो जेट जो होते हैं जो जिनमें से गैस आती है बारीक सुराख वाले, वो चेंज किए,
यानी कि मुकम्मल चूल्हा चेंज कर दिया, चूल्हा नहीं चला। फिर क्या मसला हो सकता है इसमें? पता नहीं अभी क्या मसला हो सकता है क्या नहीं है। और चूल्हा और लेना पड़ेगा। और वो कहता है भी साफ जहर है, फिर अगर ये आपको मज़ा नहीं करता, नहीं चलता, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो फिर चूल्हा और लेना पड़ेगा। मैं अभी सोच रहा हूँ, पता नहीं ये कितने काम लेकर आए थे। ये तो हमने उस टाइम लिया था 3500 का। हाँ 3500 4500 का, 4500 रुपये का। लेकिन इसको तकरीबन साल हो गया है मेरे ख्याल में, है ना। तो साल के बाद अब जो है ये तो तकरीबन 6000 का मिलेगा तकरीबन। लेकिन मैं मेरा जहन नहीं ना काम कर रहा अभी, देखें भी मेरा जहन सोच भाई इसके सब कुछ चेंज किया, ये स्पीड नहीं है। न्यू लेकर आएंगे तो वो भी ना चले तो फिर ये सब चीज चेंज हो गई, सिर्फ ऊपर से इसका पीपा ही रह गया। हाँ पीपा ही रह गया, बाकी तो सब कुछ हमने चेंज कर, पुर्जे वगैरह थे वो तो सारे चेंज हो गए, फिर क्यों नहीं चल रहा? फिर क्यों नहीं चल रहा, यही तो सोचने वाली बात है। न्यू लेकर आए वो भी ना चले तो फिर। हाँ लेकिन मैं इस चीज परेशान हूँ कि पता नहीं आपने, आप कहती हैं कि स्लो है, पता नहीं आप सुई गैस के ऊपर चला के आई हैं, वो जहन आपके ख्याल में खड़ा हुआ है। नहीं यार पहले भी तो मैंने इस पे चलाया है ना। तो अभी इसके जैक दो में न्यू डलवा दिया है ना मैंने, आज बनवा के आए, आज तो खुद आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा फर्क पड़ा है। लेकिन वो जब हांडी रखेंगे हांडी के ऊपर पता चलेगा कि गैस का क्या प्रेशर, अभी चेक करेंगे। क्योंकि मैंने तो उधर चलाया अंदर कमरे में रख के, वो आग से ऐसे ड्रिक आग से पता नहीं चलता, लेकिन ये ओरला जो है छोटा इसका थोड़ा शोर आता है, जैसे प्रेशर के साथ थोड़ा शोर आता है, उसका परले का शोर नहीं आता, वो उस तरह ही है तकरीबन। तो इस वजह से मैं कह रहा था शोर चाहे आए ना आए, मैं कहती हूँ कि आग में दम होना चाहिए वो ऐसे हो के। अच्छा फिर कैसी लगी लुक आज घर की? जबरदस्त। थोड़ा मैं पीछे होकर दिखाता हूँ, तमाम बहन भाई भी देख लें। ये देखें जी आज हमारे घर की लुक चेक करें और सेटिंग मुकम्मल वो चेक करें जैसे मैंने आपको दिखाया। सिर्फ इधर ये सीढ़ी रखी हुई है, ये भी थोड़ी साइड पे काट देंगे, फिर ये हमारी मुकम्मल जो है ना VAP ज़बरदस्त सेटिंग हो जाएगी। कैसे? तो बाइक मेरी भी रात में लेके गया था, इसका भी थोड़ा सा नुकसान हो गया। तो वो कैसे नुकसान हुआ है, मैं लेके गया था आटा जो कि रोटी लगवाने के लिए तंदूर पे, क्योंकि इधर हमारा गैस सिलेंडर का मसला बना हुआ था, मैंने कहा उधर लगवा के आते हैं। तो मैंने वो बर्तन ना इधर टांग दिया था, तो वो जैसे जंप लगाना ऐसे ऐसे हो रहा था, वो इधर जो हमारा वो खड़ा था ना आगे मोनोग्राम हुंडा वाला वो इधर खड़ा था, ये उसको लगा वो टूट के गिर गया। उसके बाद हमारे इशारे भी चलना बंद हो गए, पता नहीं क्या इसको मसला बन गया। इसकी भी अभी कंडीशन जो है ना साफ सुथरी नहीं है, कपड़ा वगैरह भी नहीं लगाया मैंने और मिट्टी वगैरह भी हुआ खड़ा है। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं, उम्मीद है कि अभी देखें कि शाम का भी लोग स्टार्ट है और सफाई वगैरह माशाल्लाह कैसी है। शाम तक जो है ना सफाई आपको नज़र आ रही होगी कि बहुत ही VIP और ज़बरदस्त सफाई जो है वो नज़र आ रही है। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं, जैसा भी व्लॉग बनता है आपके साथ शेयर करते हैं। और एक खुशखबरी और भी मैं आपको सुना दूँ, वो तो मैंने सुना ही नहीं है, या अगर आकर बैठी है बताती नहीं है कि ये अकरम खान न्यू ले आया, नहीं बताया नहीं है। आपके जहन में नहीं था। मैं ये देखें जी ये भी मैं न्यू लेके आया हूँ। ये किस वजह से लेके आया हूँ, मैं गया था असल में ना उधर नादिया के लिए ना वो अनार का, मैंने कहा जूस बनवा के इसको पिलाते हैं। जूस लेने गया तो जूस मैं शापर में लेके आ रहा था, रास्ते में ना मुझे जहन आया कि दूध के लिए जो है ना हमारा बर्तन नहीं था, बाल्टी वगैरह जो दूध शाम को लेते हैं ना उसका ना बर्तन वगैरह नहीं था। तो ये मुझे जहन में आ गया, मैंने कहा यार ये बाल्टी ना ले लें। तो ये बाल्टी जो है ये मैंने न्यू ले लिया है, दूध वगैरह के काम भी आएगी, पानी वगैरह पे काम भी आएगी, इसके जो भी इसके फ़ायदे होते हैं वो होते रहेंगे। और इधर सब्ज़ी वाला भाई आया हुआ है, उस वो भी आवाज़ें लगा रहे हैं सब पीकर, उन्होंने चलाया हुआ है, फिर कहता है सब्ज़ी ले लो। जब हमने सब्ज़ी ले लिया तो अब कैसे ले लें, हैं आज तो हमने ले लिया है। वैसे भी मैं डेली बेस पे चौक पे लेके आता हूँ, मैं चौक से लेके आता हूँ, उसकी वजह ये होती है कि फ्रेश देख के इंसान ले लेता है। इधर जो है ना वही होगी जो एक रक्षे पे होगी, उधर जो है ना पूरा चौक है, जहाँ से अच्छी लगती है वहाँ से ले लेते हैं बात, और सस्ती भी पड़ जाती है। अभी ये मूली जो है ना मुझे 50 रुपये किलो दी है, इधर अगर पता करते तो ये 80-90 रुपये किलो देते हैं, ऐसा है क्या? नहीं कितना बचत हो जाती है, ये महंगी देते हैं जो आए हुए होते हैं ना।
सब्जी भी सही नहीं होती और महंगी भी होती है। हाँ। पहुंच गई है जी चूल्हे के सर पे, क्योंकि सब्जी वगैरह इन्होंने रख ली है। इसको बॉयल करना पड़ता है, उबालना पड़ता है पहले क्या? हाँ। ये जब गल जाएगी फिर इसकी भुनाई होती है। ऐसे भी मतलब कोई कोई भुनाई कर लेते हैं, लेकिन वो कड़वा हटाती है, इसको उबाल के अगर भुनाई करे तो वो फिर सही होती है। कड़वाहट नहीं आती फिर। हाँ। चलें देखें फिर। जानी ओए जानी ओए साको हो कपिला के टोर पर देस गिए, जानी ओए साडे नाल पक्कियां ला के मल पर देस गिए। ऐसे बोलता है। इसकी छानी अंदर क्यों घुस गई? वो छोटी है ना, दूसरा चूल्हा वाली लगाई है जाली। इस वाली दूसरा जो पुराने वाला चूल्हा है उसकी जाली है ना, जो छोटे वाली थी वही लगा दी। हाँ। तो इसकी कहाँ गई? इसकी भी इधर रखी है, वो शापर में खड़ी है, मैंने खड़ाई है वो नीले शापर में। तो ये सही नहीं है ना? उसके साथ परेशान नहीं बनता ना। तो इसके साथ कौन सा परेशान बनता? चलो फिर निकाल लो ये वाली, वो बड़े वाली लगा दो। ओ कमली इश्क न कर सेहत कण ठीक नहीं होंदा, ओ रात दी जागण आला ए लोक छुप भागण आला, ओ रात दी जागण आला ए लोक छुप भागण आला, तरीका ठीक नहीं होंदा, ओ कमली इश्क न कर सेहत कण ठीक नहीं होंदा। असां त कहते भुलिया है तू ता भूल नहीं, असां जो दर दर रुलिया है तू ता रुल नहीं, ए रुल के रावण आला ए लोक हसावण आला, ए रुल के रावण आला ए लोक हसावण आला, तरीका ठीक नहीं होंदा, ओ कमली इश्क न कर सेहत कण ठीक नहीं होंदा। हाँ कैसा सही नहीं चला? बस वो जैसे आप बोल रहे थे ना गुजारा है, वही बात है, क्योंकि हमने इसके मुकम्मल हर्ब इस्तेमाल कर लिए। अब ये है कि लेकिन आप कहते हो कि आपने जो है ना वो इस्तेमाल किया, लेकिन इतना भी नहीं थे यार जितना ये अब जल गए। अब इसमें हमारा क्या कसूर है चूल्हे का, और होता क्या है मुझे ये बताएं। एक इसका ये पैंप होता है जो कि गैस वाला, आगे इसके वो गैस देने वाला वो लगते हैं जैक, और क्या होता है इसका मुझे ये थोड़ी देर बता दें। तो फिर इसमें मसला आखिर क्या है? मुझे तो सिलेंडर में मसला लगता है। सिलेंडर बड़े वाला भी इस चूल्हे पे लगाया ऐसे चलता है, फिर मैं कैसे कहूँ कि सिलेंडर में मसला है? तो फिर इसको क्या खराबी है, ये क्यों ऐसे चल रहा है? पहले तो अच्छा खासा चल रहा था। अब वो जो सुराख थे इसके, वो सुराख वाली जगह जो जहाँ से गैस आता था वो भी बदली किया था। वही तो जैक वही होते हैं। मुझे क्या पता जैक जैक कह रहे हैं कि जैक से गैस आता है वो ही हमने उधर सुई गैस के लिए बनवाया था, तो वो सुराख उसके खुले किए थे, फिर वही जैक भी हमने चेंज कर दिया। अभी देखें कैसे चल रहा है। अभी जैसे चल रहा है अब ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। अब इसके अलावा हमारे पास और कोई बात नहीं, चारा नहीं है। चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो फिर वो प्लेट ले आते हैं सिलेंडर वाली, वो लगाते हैं और सिलेंडर के ऊपर बनाना स्टार्ट कर दो। समझ आया कि ना आया? 250-250 रुपये की प्लेट मिलेगी, वो ले आते हैं न्यू वाली, उसके ऊपर चला के देखते हैं क्या करती है। सिलेंडर का उधर पता चल जाएगा आपको। अगर कोई सिलेंडर में खराबी होगी तो वो लगाएंगे तो देखेंगे क्या मसला। ले आऊं फिर प्लेट? प्लेट आप ऐसा करें ना कि वो समीना भाभी वालों की है, चेक करने के लिए आप ले आए यहाँ पर लगा के, फिर आग जला के फिर उसको चेक कर लेते हैं। अगर वो उसके साथ सही प्रेशर बनता है और सही जो है ना आग आ रही है तो फिर हम न्यू पैसे और भरेंगे, न्यू ले आएंगे। अगर नहीं आती यही मसला है तो हम फिर क्यों पैसे भरें? चलो देखते। उनको कह दे कि 2 मिनट के लिए ना मैं चेक कर लूँ, फिर जब चेक करके उनको वापस कर देना। चलो देखते हैं।
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. طبیعت صحت کیسی ہے؟ السلام علیکم. کیا حال ہے؟ بیٹھے صحیح ہے. کبھی کس طرح ہوتی ہے کبھی کس طرح ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے اس ٹائم جو ہے نا پھر ایسے ہی ہوتا ہے, کبھی طبیعت ٹھیک ہے کبھی خراب ہے کبھی کچھ ہے, لیکن اس کو نا بلڈ کی کافی کمی ہے اس وجہ سے جو ہے نا اس کی طبیعت بگڑتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں بلڈ لگواؤ, لیکن ہم کہتے ہیں ہم نہیں لگوائیں گے. نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں سے بلڈ بن جاتا ہے. ابھی لیڈی ایک جو ادھر آتی ہے نا چکر لگاتی ہے, تو انہوں نے کل بولا ہے کہ انار کا جوس اس کو پلاؤ 10-15 دن, بلڈ لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ تو پلا رہا ہوں نا, یعنی کہ فروٹ وغیرہ ہو گیا. پہلے پتہ کیا تھا, پہلے اتنا زیادہ اس کا بلڈ جو ہے نا وہ کم تھا کہ یہ کوئی چیز طاقت کی سیب وغیرہ یا کوئی چیز بھی کھلاتے تھے نا, یہ تھوڑا سا کھا کے کہتی تھی بس میرا کچھ ہونے والا ہے مجھے. لیکن میں نے کہا کہ میں نے کہا ایسا ایسا اسٹارٹ کرو نا تھوڑا تھوڑا سا, ایسے اسٹارٹ کیا اب کھا جاتی ہے الحمد للہ, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن میں نے کہا اگر نہیں کھاؤ گی چھوڑ دو گی تو پھر تو مزید کمزوری ہوگی. آپ ایسے کریں ایک دم جو ہے نا ایک سیب نہیں کھاؤ, اس میں سے 2 ڈلیاں کھا لو چھوڑ دو, پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر ایک آدھی ڈلی کھا لو, اس طرح کرتے نا پوری جہاڑی میں چاہے آپ ایک سیب کھاؤ, لیکن وقفے وقفے کے ساتھ کھا لو. ہاں یہ جو ہے نا ہمیں جگہ کچھ تنگ لگ رہی ہے تو اس لیے, کیونکہ کمرے بنوائے ہیں سامان تو وہی ہم نے ڈالا ہے نا, تو اسی طرح کے کمرے چھوٹے کمرے ہیں, پھر ہماری جو ہے نا رہائش نہیں ہو سکتی یہاں پر. جیسے کہ اب سردیاں ہیں کوئی مہمان وغیرہ آ جائے ہمارے گھر میں, لیکن وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے, یعنی کہ یہ ہم ہال کمرہ بنوا دیں پھر وہ سسٹم ہو جائے گا مہمانوں کا بھی سب چیز کا, کچن بھی ہے کمرے جتنا کچن ہے یہ سمجھ لے کہ پورا کمرہ ہی ہے, تو اس یہ رہنے کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن جیسے ہم ولوگ بناتے ہیں نا کوئی اس طرح کی جگہ ماحول نہیں ہے, کھلا ماحول نہیں ہے جہاں پر ہم کوئی چولہے وغیرہ. میں ابھی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ اس طرح ابھی دیکھیں یہ ہمارا ماحول جو ہے نا پھر بھی صاف ہے, یعنی کہ ادھر دیکھ رہے کہ کہیں پر بھی کچرا نظر نہیں آئے گا. تو وجہ یہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا اگر یہ اچھے دام میں بک جاتا ہے, لازمی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو فی الحال بالکل بیچنا ہی ہے. نہیں وہ ٹینشن نہیں ہے, وہ اس طرح ہے کہ اگر میں یہ بیچ رہا ہوں تو میں کہیں دور پھر نہیں جاؤں گا نا, یہ بھی باقی بھی پلاٹ پڑا ہے نا سائڈ پہ, تو ادھر سے یہ ہے اس میں یہ ہے یعنی کہ میری کوشش یہ 5 ہے نا, میں 7-8 کر سکتا ہوں, 2-4 مرلے بڑھ جائے گی اس میں, وہ پھر نا 84 میں لیں گے, 84 میں جو ہوگا اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں 2-3 کمرے بھی بن جائیں گے, آگے صحن اس کا کافی ہوگا, چولہے وغیرہ بنائیں تندور بنائیں جو بھی اچھے اچھے کچن بنائیں بن جائیں گے. اس میں یہ ہے کہ ابھی جو چیز بنی ہوئی ہے یہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بنا سکتے. میں نے تو آتے سے ساتھ ہی بولا تھا بیٹھ جائیں, باقی یہ نہیں ہے کوئی ادھر سے ہمیں کوئی اور کوئی مسئلہ ہے.
जगह सही नहीं, तंग है। वो भी अगर कोई साथ में प्लॉट पड़ा होता तो उसमें दो तीन मरले हम ऐड कर रहे थे। हम चारों साइड पे कहीं थे, यानी कि हम अगर पीछे प्लाट पड़ा है, अगर पीछे से हम इसको ले लेते हैं फिर भी तो वही होगी ना, लंबाई होगी, लेकिन ऐसे साइड साइड नहीं मिल सकती। जिस तरह से हम बेच रहे हैं, हम कहते हैं कि खुली जगह हो, प्लाट खुला हमें मिल जाए, यहाँ पर सेटिंग अच्छी हो जाए। फिर ये भाई असलम भाई ले सकते हैं या मोहियुद्दीन भाई ले सकते हैं, क्यों? अभी असलम भाई का साथ अटैच कर रहा है, अगर वो खुला करना चाहे तो फिर उसका मतलब यानी कि उसका 10 मरले बन सकता है ना, यानी कि ये दीवार ओ उतने तक उसका, फिर उसका ये चौरास लगेगा प्लाट, 10 मरले का जो होता है फिर ये चौरास बन जाएगा। हाँ बराबर है, ये छोटी नहीं है। वैसे असलम भाई का देख लें, मुखलस का देख लें, चुड़ैल इतनी है, सब की इतना है। क्योंकि वो खरीदे जैसे के पांच पांच मरले हमने खरीदे थे, नाप करके ना हर किसी ने जगह बनाई है, ऐसे तो नहीं है कि जो जितने ये जो है ना, अभी देखें अहमद भाई वाली जगह और महियुद्दीन, इन्होंने इस तरह तकसीम किया क्योंकि आगे सड़क थी, आगे सड़क ना होती तो इनको भी ऐसे तकसीम करने थे। ये अहमद का है और ये इन्होंने सेंटर में ऐसे जैसे ऐसे बांटी ना, उनका देखें अभी कैसे चुरास है। ये चीज है क्योंकि हमें सड़क एक थी, अगर हमें एक सड़क और लग जाती ना पीछे इधर एक भी। वैसे आपके पीछे इधर प्लाट बिक रहे हैं? प्लाट तो ये पड़े हैं सारे, बिकाऊ हैं ये सारे बिकने वाले हैं। ये जितनी जमीन अभी पड़ी है पीछे से सारी बिकने वाली है। कमरे हैं, ये आपके सामने न्यू बने हैं, इसके दरवाजे न्यू, यानी कि टोटल जो विंडो वगैरह सब कोई न्यू है इसका। टीयर गार्डर मैंने वो पहले वाले डाले थे, वो भी कलर कराए हैं, ओके ही हैं। लेकिन ये कि मैं कह रहा हूँ कि अगर अच्छे हैं, मैं अपना हिसाब लगाऊंगा ना, ये ना हो कि मैं ये भी बेच दूँ, आगे मैं ज़मीन लेके बैठ जाऊँ, वो बने भी ना जगह, यानी कि इतने एक हिसाब से हो कि मेरे ज्यादा मजबूरी तो नहीं है। वैसे मेरे चार बच्चे हैं, फिर ये होगा जब अल्लाह पाक फुर्सत देगा, ये रहेगा जब अल्लाह पाक फुर्सत देगा, चार पांच मरले कहीं और जगह पे ले लेंगे, फिर वो हिसाब बन जाएगा। पहली बात यह है कि अगर ये बिक गया तो ये बेच के जितने पैसे होंगे आगे मैं अपना हिसाब देखूंगा भी, मैं इतना ज़मीन ले सकता हूं और घर भी बना सकता हूं, उस हिसाब से अगर ये आ गया तो बेच देंगे, नहीं आया तो फिर इधर ही है, अपना ही है, किराए का तो है नहीं। क्योंकि इधर हर चीज़ है ना मेरी अपनी है, हर चीज़ अपनी है, इधर बिजली का मीटर अपना है, ये तार आ रही है ऊपर से, ये एक असलम भाई की जा रही है, एक मेरी आ रही है, वो जो सड़क के साथ जा रही है मुखलिस भाई की है, महियुद्दीन का अपना है, अहमद भाई का अपना है, हम पांच भाई है, मीटर सब के अपने हैं, यानी अल्लाह ताला जानो चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ये है ज्यादा यूज करता है, कोई कम यूज करता है, लेकिन वो ज्यादा कम के भी नहीं है, भाई हैं, लेकिन मसला ये है कि यूनिट का रेट बढ़ जाता है। हम दो भाई अगर इस्तेमाल करें ना, चाहे यार उसका है 100-150 यूनिट का खर्चा, मेरा हो गया 100 यूनिट का खर्चा, जब 250 यूनिट का बिल और आएगा 100 यूनिट का और आएगा। ऐसा है तो है, हमने जो ली हुई थी मामू, हम और नबीला राशिद, हम एक ही मीटर चला रहे थे, इतने बिल आते थे 20-20 ऐसा ही है यार। हाँ, हमारा पहले एक मीटर था, हम चार भाई चलाते थे, अहमद भाई का अलहदा था, चार चलाते थे, हमारा आता था 60,000-65,000-70,000 बिल आता था। फिर जैसे जैसे ए असलम भाई ने अपना लगवा लिया, फिर हम तीन हो गए, फिर महियुद्दीन और मैंने एक ही दिन दरख्वास्त दे दी, हमने फिर अब हमारे अलहदे हो गए, जो पहले वाला चला रहे थे वो मुखलस के पास पहुंच गया, अभी सब के अलहदा हो गए, जो जितना बचत करेगा उनका अपना फायदा है। ये अभी मैं आपको ये बताऊं कि ये 10-15-20 साल ये नीचे नहीं आता सड़क से, अभी ये हाल कमरा बनाया तो फिर, यानी कि ये असलम भाई के बर्थी से सिर्फ एक बार नीचे है मेरी बर्थी। वालेकुम सलाम, चले और क्या पसंद करते हैं, ले आए, क्योंकि बात तो है 9-10 मिनट हो गए हैं, कुछ भी नहीं, बस हमने कहा बस वो नहीं, खाना बना रहे हैं और उसके अलावा कोई बिस्कुट वगैरह, कोई बोतल, कुछ चाय भी नहीं। नहीं यार ऐसे नहीं जाने दूंगा।
नहीं ऐसे जाने नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। अभी वसीम आ गया है, उसको बोलते हैं हाँ साइकिल पर जाओ, उधर से बोतल भी ले आओ, बिस्किट वगैरह भी ले आओ। खाली बोतल मंगवा लो फिर। कौन सी मंगाएं फिर? कुछ नहीं मंगाया भाई, हमने कहा ऐसे तो जाने नहीं दूंगा ना, बात तो सीधी। अकरम भाई ने कह दिया है कि ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगा। वो नहीं नहीं, वो कहते हैं ना कि आना आपकी मर्जी का, जाना और की मर्जी का। वो ऐसे ऐसे शायद नहीं, शायद भाई ऐसे होता ना, वो कहते हैं कि किसी के घर जा रहे हैं ना, जाना था हमारी मर्जी का, वापसी फिर उनकी मर्जी की होती है ना। आ जाओ वसीम, आप किधर आए हुए हो? उन्हें पीने के लिए आप ही खा रहे। नहीं पहले क्या क्या करने आए हैं? वीडियो क्या, इधर कोई वीडियो शूटर लगा हुआ है क्या? जैसे आप वीडियो बना रहे हम वैसे कर रहे हैं। हम अपने घर बना रहे हैं, आप अपने घर बनाओ। कैसे भाई? हमारे चाची जाना है, हम जो है हमारे चाची जाना है, हम जहाँ भी जाए। वो चाची जान है आपका, लेकिन मेरी बात सुनो। हाँ जी, ये देख बस यार, बादशाह बनना है तो ये देख, वो देख नहीं हुआ यार। बटन मैंने दे दिया कि नहीं दे दिया आपको? बटन दे दिया, मेरे से अब खोल नहीं रहा बटन यार। इधर दो। और नहीं यार फिर बटन खड़ते नहीं है आपके, पता नहीं कहाँ जहन है। यार इसका समझ नहीं आती, दो हाथों से बटन नहीं खुला, एक हाथ से मैंने खोल दिया, एक हाथ में मेरा कैमरा, एक हाथ से वही बटन खोल दिया जो आपका फंसा हुआ था। यार तुम्हारे और हाथ है, मेरे और हाथ है। यार अभी एक हाथ में मेरा कैमरा था ना, खींचो नहीं और खींचना नहीं होता यार इसको, मैं आपको बताता हूँ। ये दिखाएं उधर, अब ये सोचेंगे देखने वाले मुखले, इतना चबल है जिसको वो काम ही नहीं आता ये वाला। और नहीं यार ऐसे ऐसे नहीं करो, ऐसे ऐसे है ना, इसका जो ऊपर वाला ये किनारी है ना, किनारी ऊपर वाली, इसके ऊपर ऐसे अंगूठा रखो, ऐसे थोड़ा सा जब इधर से निकले पीछे से ऐसे दबाव देगा तो निकल आएगा बाहर। जब बोतल जो है ना वो गिलासों में डाली जा रही है, तो हाँ ये आए थे ना, इन्होंने कहा हमने कुछ नहीं खाना पीना, मैंने कहा इधर आ गए हो ना, ऐसे जाके दिखाओ फिर। ये बात हाँ वो ऐसे ही होता है ना, मैंने कहा वो जैसे कहते हैं ना कि यार हम फलां के घर जा रहे हैं, जाना है आपकी मर्जी का, वापस आना दूसरे की मर्जी का। चले जाओ, माशाल्लाह जी। रिश्तेदार या कोई भी करीबी हो अच्छा नहीं समझता, नाराज तो नहीं करना ना। अल्लाह पाक खुश रखे। चलें जी माशाल्लाह, बोतल जो है अभी पीते हैं। जिस बहन भाई ने हमारे साथ बोतल पीनी है वो आ सकता है। बोतल जो है ना मुझे एक यहाँ पे खींच लाई है, नसीब था। वो कैसे मैं ये काम उधर भी करवा सकता था, मेरी वाइफ थोड़ा कपड़े धोने में मसरूफ थी, तो मैं बोतल ने पुकारा तो वो कहेगी कि मैं अभी ईजी होकर ना आपको सेट कर देती हूँ, लेकिन बोतल नसीब था इसलिए आना पड़ा। मैंने कहा चलो भाभी से कराते हैं यहाँ पे, आगे भाभी ने मजदूर थे चलें जी। अभी बाकी इंशाल्लाह जैसे भी वीडियो बनती है इंशाल्लाह, हाँ सबको दे दो। वो देख दूल्हे साहब भी खड़े हैं, दूल्हे साहब को पिलाओ बोतल, सिर्फ वीडियो इसको नहीं बनाने देनी, बाकी बोतल उसको पिलाओ, जो चीज मांगता है वो दे दो। वीडियो का जब बोले ना बोलना, वीडियो नहीं बनानी। और भाई वीडियो नहीं बनानी, वो अच्छा अपना क्या कहते हैं, मैंने मुखलिस भाई को कहा था ये बात, मैंने कहा ऐसा बोलो मोहिद्दीन सुन रहा होगा। नहीं वो बात नहीं है, मैं भी कभी कभी सुन के इधर से गुजर जाता हूँ। तो मैं बात ये कर रहा था, फिर कैसा लगा घर, कैसा लगा? बाकी तो बातें होती रही, बहुत अच्छा माशाल्लाह। सही है हाँ। है तो फिर आपके सामने छोटे छोटे से कमरे हाँ जी। अपना पता क्या है, फ्रंट इस तरह है, हमने नहीं निकाला बाहर क्योंकि ये हाल कमरा आगे आएगा, ये उसके अंदर आ जाएगा। अच्छा। फिर इस जो ये हाल कमरा आएगा ना, इसके आगे डिजाइन बनाएंगे हम। अच्छा। हम ऐसे नहीं बनाएंगे जैसे आपका है फ्रंट या असलम भाई का फ्रंट है या किसी और का, हम इसके ऊपर ना काफी खर्चा होना है, तकरीबन 1,00,000 रुपया लगता है सिर्फ फ्रंट बनाने का। अच्छा। हाँ हम फिर वो बनाएंगे ताकि दूर से पता चले कि ये अकरम खान का जो है ना घर है।
और ऊपर बिल्कुल ऊपर शीशे के अंदर लिखा होगा, जो रात को लाइटिंग पे अंदर लाइट चलेगी उस लिखा होगा, उसके अंदर लिखा होगा, उसके अंदर लिखा होगा सिंगर अकरम बलोच हाउस। बाहर एक बोर्ड भी लगेगा वहाँ पे। हाँ वो सिंगिंग वाला मैंने लगवाना है अभी रोड के ऊपर एक बोर्ड। हाँ ये सिंगिंग का जो हमने वो किया हुआ है ना सिस्टम, आपने गलती की है। एक उस दिन शूट कर रहे थे इसको और मुझे बुला लेते यार, पता क्या है उस दिन मैं अभी काफी बंदों ने मुझे कहा है तो मैंने कहा यार उस टाइम ना मैं भी उधर थे आप बुला लेते हमें, लेकिन शूट शूट हो जाती तो फिर नहीं। ये तो नहीं है कि हम अभी बस कर गए हैं, और भी मानने की नहीं पड़ेगी। और मेरा तो हर मंथ एक सॉन्ग आएगा, नेक्स्ट आएगा उसके बाद नेक्स्ट आएगा, थोड़ी सिलेक्ट कर लेना फिर। ओके जी, हम आपकी डन है, आपकी डन है। ओके सालन बन रहा है, अभी उबल रही है, चलो ये उबर रही हैं, बन जाएगा आस्ते आस्ते। गैस जो है ना अभी कुछ दुरुस्त नज़र आ रही है तो मैं वो छानी का पत्ता भी करता हूँ, देखते हैं क्योंकि अभी शाम का टाइम है ना, सब पका खा रहे होंगे, दो मिनट के लिए भी देना काफ़ी मुश्किल काम है। हाँ। इधर से हम रेगुलेटर खोलें क्योंकि हमने करना है चेक, तो जब 8 बजे भी कर सकते हैं 9 बजे भी कर सकते हैं, वो सारा हर कोई काम कर ले फिर लेंगे जाली वो आके ऊपर लगा के चेक कर लेंगे सिलेंडर, क्योंकि ओके होगा हमारा ये मुझे गारंटेड है, क्योंकि सिलेंडर का कोई मसला, अगर सिलेंडर का मसला होता तो उधर हमने जब बड़ा उनका सिलेंडर लगाया चूल्हा सही चलता, हमारे सिलेंडर पे ना चलता तो फिर हम कहते हैं सिलेंडर का मसला है। तो बाकी कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। और जी जैसे आपने देखा मेहमान वगैरह जो है वो सब इधर माशाल्लाह पहुँच गए थे, जैसे आपने देखा मुकम्मल इन्होंने वीडियो में तो देख ही लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए चाहते हैं तमाम बहन भाइयों से इजाज़त, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, चाचा रियाज जिंदाबाद।